एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रामनवमी की शुभकामना देते हुए कहा कि हम सभी शीघ्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम मंदिर का लोकार्पण होते देखेंगे। रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार की रामनवमी कुछ खास है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही हम सब भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होता देखेंगे। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद हमें सफलता मिली है। लाखों करोड़ों लोगों के सपने को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सहयोग किया है वो अविस्मरणीय है। रामनवमी की आप सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, रोम रोम में राम बसे, और इस वर्ष की रामनवमी विशेष है क्योंकि भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है। शीघ्र ही हम सब भगवान राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण होते हुए देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, और इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। सैकड़ों हजारों वर्षों का संघर्ष के बाद हमें सफलता मिली है और हमारे करोड़ों हृदय के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने वो हमारा सपना साकार कराने में सहयोग किया है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।